हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करते हैं मैथ्स वर्कशीट क्लास फर्स्ट के लिए है, ठीक है। और ये पूरा सब्ट्रैक्शन है और इसके जो वर्कशीट्स हैं हमने तैयार की हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है क्रॉस आउट स्क्वायर्स टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है और आपको इसका आंसर फाइंड करने के लिए स्क्वायर्स जो है उनको क्रॉस आउट करना है, जितने आपको माइनस करने हैं, ठीक है। जैसे 8 - 4, तो 8 में से हमें 4 को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर्स को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास कितने बचे, 1, 2, 3, 4, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया क्रॉस आउट स्क्वायर्स टू फाइंड आउट द आंसर। आंसर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें जो स्क्वायर दिए हुए हैं उनको क्रॉस करना है और जो आंसर आएगा और जो जितने बच जाएंगे, जितने लेफ्ट होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 - 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 जो स्क्वायर हैं उनको क्रॉस कर देंगे। ये हमने 1, 2, 2 क्रॉस कर दिए। अब हमारे पास कितने बचे, 1, 2, 3, तो ये जो 3 है हमारा आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट है 9 - 5, ठीक है ना। 9 में से हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 क्रॉस आउट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास कितने बचे, 1, 2, 3, 4, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही 7 - 7, 7 से 7 को क्रॉस करना है, तो ये टोटल क्रॉस हो जाएंगे, है ना, 5, 6, 7। अब हमारे पास इसमें 1 भी नहीं बचा है, 0 बचे हैं, तो आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। ऐसे ही 4 - 0, 4 में से 0 कट करना है। अब जब हम 4 में से इसको कुछ भी कट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 4 ही आंसर होगा, तो ओके, आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग द एबेकस। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इस पे जो ये राउंड 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 बने हुए हैं, हमें इनको यूज़ करते हुए माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1, 6 और 5, अगर हम 6 में से 5 क्रॉस करना है, 1s की प्लेस है, 1s की प्लेस पे हमें क्या करना है, 5 को कट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी इसमें 5 ही हमने बनाया, ये 6 हो गए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। इसमें से हम क्या करेंगे, 5 को कट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास कितने बचा, 1 बचा है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और टेंस में कुछ भी नहीं है माइनस करना, तो 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। टेंस में हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, है ना, तो 1 का 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 7 में से 3 आपको कट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, 7 में से हम 3 को कट कर देते हैं, 1, 2, 3, कितने बचे, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया, ठीक। और टेंस की प्लेस पे हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, देन 1 का 1 आ जाएगा, ओके। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 8, 1s की प्लेस है, 8 में से 1 को माइनस करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, 8 में से हम 1 को कट कर देते हैं। अब हमारे पास कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो वो 7 यहाँ आ जाएगा। और टेंस की प्लेस पे हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो 1 का 1 ही आएगा, ओके। ऐसे ही यहाँ पे है 5 में से 3, 1, 2, 3 हमने कट किए, कितने बचे, 1, 2, तो वो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बाय बैकवर्ड काउंटिंग, हम लोगों को बैकवर्ड काउंटिंग करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो जब हम फर्स्ट क्लास में हैं तो हम लोगों को 50 तक बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो करा दी जाती है, बट ये सवाल जो है 20 तक के लिए हैं। तो आप बैकवर्ड काउंटिंग करना, 17 से 3 बैकवर्ड जाना है ना, 17 में से अगर हमें 3 माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, 3 बैक जाएंगे, तो 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है। अब आप 17 से अगर बैक काउंटिंग करोगे तो 17 के बाद 16, ठीक है, 15, 16, 15, और उसके बाद क्या आता है, 14 आता है। तो हम जब 3 बैक गए तो हमें कितना मिला, 14 मिला, 16, 15, 14, तो 1, 4, 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है 10 - 3, 10 से हम 3 बैक जाएंगे, 1, 2, 3, ठीक है। अब हम 3 बैक जाते हैं, 10 से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, 9, 8,
सेवन, नाइन एट सेवन, तो ये जो सेवन है हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है 19 से 5, आपको बैकवर्ड काउंटिंग यूज़ करनी है इसको सॉल्व करने के लिए, और 5 हमें बैक जाना है। ठीक है, 19 माइनस 5 है, इसका मतलब क्या है कि हमें 5 बैक जाना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 यहाँ पे है। अब हम 19 से बैकवर्ड शुरू करते हैं, 18 17 16 15 14, ओके क्या आंसर आया, 14 आया, तो हम यहाँ पे 1 4 14 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 18 माइनस 5, 18 से हम 5 यहीं पे आएगा, 18 से 5 बैक जाते हैं, ओके 17 16 15 14 एंड 13, जब 13 आ रहा है तो हम यहाँ पे 13 लिखेंगे। ठीक है, शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर इसकी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो डेली टू डेली, तो ये सवाल जो है आपको इजी हो जाते हैं और मेंटल मैथ में भी हेल्प होती है। ठीक है, आप सवाल जल्दी सॉल्व कर लेते हो। अब यह है सब्ट्रैक्ट करना है, लाइनिंग खींच के करना है इसको। ठीक है, और अगर आप ओरल कर सकते हो तो और भी अच्छा है। जैसे 5 है 3 है, तो एक तो है कि 5 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आपको माइनस करना है, तो 1 2 3 को हम कट कर देंगे, क्या हुआ 1 2, है ना, 2 लाइन बची हैं, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि 6 में से 2, 6 में से आपको 2 माइनस करना है, तो क्या होगा कि आप एक काम कीजिए, 1 2 3 फिंगर को यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 में से आपको 2 कट करना है, तो आप 1 2 इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके पास कितने बचे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, है ना। आप दोनों ही तरह से कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे, और बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो सबसे अच्छी होती है, उससे आप इजीली इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 7 से 0 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 ही आएगा, क्योंकि हमने इसमें से कुछ भी माइनस किया है। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं हमने दिया है ना, तो 7 का 7 आ जाता है। 0 को अगर हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो आंसर होता है वो सेम नंबर ही होता है। ठीक है, 5 माइनस 1, अगर हमने 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 बैक चले जाएंगे, 4 आ जाएगा, और वैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में से हमने 1 को कट कर दिया, 1 2 3 4, तो 4 आंसर। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट, इसमें 1s की प्लेस पे 3 से 3 को माइनस करना है, अगर हम 3 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जब नंबर सेम नंबर होता है तो अगर हम उसको नंबर से ही माइनस, उसी नंबर से माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे 3 को 3 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 7 को 7 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 2 को 2 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अगर किसी नंबर को हम उसी नंबर से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये हो गया 2। अब 2 से 1 गया तो 1 2, इसमें से हमने 1 को कट कर दिया, हमारे पास कितना बचा, 1, है ना, तो 1 आंसर होगा, और 0 का 0 आ जाएगा। 5 में से 4 आप बैकवर्ड कर सकते हो, 5 है, 5 में से 4 यहाँ पे 5 आता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में से हमने 1 2 3 4 छोड़ दिया, अब हमारे पास कितना बचा, 1 बचा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1, यहाँ हम कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं, तो 1 का 1 आ जाएगा। ऐसे ही 9 से 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 यहाँ पे आ रहा है, अब 9 में से आप 3 को कट कर दो, 1 2 3 3 कट कर दो, इसको छोड़ दो, यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और 1 का 1 आ गया। तो अब आपको या तो बैकवर्ड काउंटिंग से इजी लगता है तो आप बैकवर्ड काउंटिंग से करो, आप लाइन से कट करके करना चाहते हो तो आप लाइन कट करके कर सकते हो, और या फिर आप फिंगर यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, और इन सभी के लिए है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए सवाल सॉल्व करना उतना इजी हो जाता है। मोस्टली आप कोशिश करना कि आप बैकवर्ड काउंटिंग करके या फिर फिंगर पे प्रैक्टिस करना, वो इजी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैच विद करेक्ट आंसर, आपको ना ओरल यूज़ करके इसको करेक्ट आंसर से मैच करना है। 4 माइनस 0 यहाँ पे आंसर लिखे हैं, यहाँ पे आपके सवाल लिखे हैं,
तो जो राइट आंसर है उससे आपको मैच करना है, ठीक है। तो 4 से 0 को माइनस करेंगे, अगर हम 0 माइनस करते हैं तो वही नंबर आता है, तो इसका आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। 9 में से 2, 9 से 2 माइनस करना है, अगर हम 9 से 2 बैकवर्ड चले जाएंगे, ठीक है, तो 8 7 7 आंसर आएगा, तो हम 7 से मैच कर देंगे। अगर अभी हमने बताया था ना कि अगर सेम नंबर से माइनस करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, जैसे 3 से 3 माइनस किया 0 आया, वैसे ही 6 से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो हम इसको 0 से मैच करते हैं, ठीक है। 3 से 1 एक बैक जाएंगे, है ना, माइनस 1 करना है तो बैक जाएंगे, 1 2 हो जाएगा, है ना। 3 से 1 अगर हम बैक करते हैं तो क्या होता है, 2 होता है। 8 माइनस 3, 8 से 3 बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 6 5, है ना, तो 5 हमारा ये आंसर हो गया। ओके, आपकी जो वर्कशीट है ये सॉल्व हो चुकी है, और आप इसी तरह की प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो मैथ्स है वो प्रैक्टिस आप जितना कर लोगे उतना सवाल आपके लिए इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह की वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसी तरह से आप कुछ और भी वर्कशीट अलग से तैयार करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको लगता है कि मेरा जो वीडियो है आपकी स्टडी में हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।